फ्रेंड्स, मैं नेहा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वेस्टीज के अल्ट्रा वॉश लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट की बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो मैं खुद यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं आधी बाल्टी पानी में सिर्फ आधा ढक्कन यूज करूँगी, जो कि बहुत ही कम लगता है और बहुत जल्दी कपड़े धोता है। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए कि मैं कैसे प्रोसेस कर रही हूँ। कपड़े गलाने के बाद हमें सिर्फ आधा घंटे के लिए कपड़ों को रख देना है और आधा घंटे बाद धोना है। तो आप देखिए प्रोसेस कैसे हो रही है, जब तक मैं इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अल्ट्रा वॉश लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट सक्रिय एंजाइम तकनीक से बना जीवाणु रोधी द्रव्य फार्मूला है। हाथों पर नरम है। विशेषता इसकी है, कपड़ों से धूल, सख्त धब्बे और बदबू को बाहर निकालता है। कपड़ों को नरम, नया, चमकदार और कीटाणुओं से मुक्त बनाता है। मशीन और हाथ से धोने के लिए बेहतर है। सफ़ेदी को बढ़ाता है और कपड़ों के रंग फीका नहीं पड़ने देता। इसका इस्तेमाल हम काटन, सिंथेटिक, सिफॉन, जॉर्जेट, जीन्स, सीट्स आदि कपड़ों पर कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल ऊनी और रेशमी कपड़ों पर नहीं करना है। सख्त धब्बे और शक्तिशाली एंजाइमेटिक सफाई और कम पानी की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आधा घंटे हो चुके हैं और हमारे कपड़े लगभग गल चुके हैं और इसकी मैल बहुत अच्छी पानी में निकल चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स कि आधा घंटे बाद हमें इसे कैसे वॉश करना है। बाल्टी में ही, जैसे हम वॉशिंग मशीन में करते हैं ना, वैसे हमें इसे बाल्टी में ही कर लेना है। ये देखिए, सारी मैल बाहर हो जाती है। ये देखिए, ऐसा थोड़ा सा हम इसको रगड़ देंगे तो ये सब छूट जाएगा। तो देखिए कितने कम, यानी कि आधा ढक्कन हमने आधी बाल्टी में डाला था और उससे कितना अच्छे हमारे कपड़े धुल जाते हैं, जो कि हमें डिटर्जेंट से नहीं मिलते हैं, जो हम बाहर का घड़ी यूज कर। जब से मैंने ये वेस्टीज का अल्ट्रा वॉश यूज करना शुरू किया है, जब से मेरे कपड़े बहुत अच्छे धुल जाते हैं और इसमें पानी भी कम लगता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कपड़े थोड़े से रगड़ने के बाद बिल्कुल मैल छूट जाती है इनकी, कपड़ों की जो भी गंदगी रहती है वो सब छूट जाती है। ये एक एक करके हमें कपड़ों को ऐसे करके बाहर निकाल देना। ये वेस्टीज का ये अल्ट्रा वॉश है, इस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ, बस पानी से बाहर कर दो, इसमें पानी भी कम लगता है क्योंकि इसमें झाग ज़्यादा नहीं होता। देखिए कितने अच्छे कपड़े बिल्कुल धुल जाते हैं, सारी मैल पानी में आ जाती है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कितना गंदा हो रहा है पानी। ये देखिए कितने अच्छे से मैल पूरी कट जाती है कपड़ों की। तो आधे ढक्कन अल्ट्रा वॉश में धो लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉटल लंबे समय तक चलती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि अगर हम बाहर का सर्फ या कोई चीज़ यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो वो हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो अगर वो सस्ता आ रहा है तो वो ज़्यादा लगेगा, तो वैसे भी तो वो उसी रेट में आ जाएगा ना। पर अगर ये अल्ट्रा वॉश आधा ढक्कन यूज कर रहे हैं, तो अगर ये 2 महीने भी चल गया, 1.5 महीने भी चल गया, तो ये सस्ता हो गया। तो हमें प्रोडक्ट के प्राइस पे ध्यान नहीं देना है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान देना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है और वो कितने दिन तक चलता है। ये सब अगर हम देखेंगे ना, तो हमें वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते समझ में आने लगेंगे। अगर हम यूज करने लगेंगे तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। थोड़े बहुत प्राइस में अंतर हो सकता है, आप देखिए कितने कम, 2 से 3 बाल्टी पानी में हमारे 7-8 कपड़े धुल गए और
आधा ढक्कन अल्ट्रा वॉश में हमने इतने सारे कपड़े धो डाले हैं। ये मेरी दो जूतियाँ हैं, इनमें देखिए एक में ऑयल का दाग लगा हुआ है। मैं इसे अल्ट्रा वॉश से छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, अगर ये छूट गया तो समझिए कि इससे वेस्ट तो फिर कोई है ही नहीं। मैं इस पर क्या करूँगी, इसमें बहुत सारा ऑयल का दाग लग गया है तो उस पर मैं इसको पहले थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसे मैं लगा के रख देती हूँ इस पर। फिर धोने के बाद हम देखेंगे। ये देखिए इसको मैं इसमें ऐसे करके रख देती हूँ और इसको हम बाद में देखेंगे कि इसमें कितना असर हुआ है और सूखने के बाद इसका कैसा असर हुआ है। मैं उन्हें भी धो के आपको दिखाती हूँ कि इसके दाग छूटे या नहीं छूटे। ये मैं सूखने के बाद आपको ज़रूर एक बार वीडियो में दिखाऊंगी कि सूखने के बाद कैसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा सा ब्रश से रगड़ देती हूँ। आप चाहो तो ब्रश का यूज नहीं भी करो, पर ये मुलायम है, इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मैं ब्रश का यूज कर लेती हूँ। आप ऐसे भी रगड़ सकते हो। और देखिए अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है, सूखने के बाद हम देखेंगे कि इनमें क्या असर हुआ। दाग लगे थे तो अभी इनका दाग निकल चुका है। ये देखिए ऑयल का दाग था जूतों में, जो पूरी तरह से निकल चुका है। आप दोनों देख लीजिए, आपको लगेगा कि मैं गलत बता रही हूँ। तो ये दोनों जोड़ी जूते रखे हुए हैं, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छा है लिक्विड कपड़े धोने का। देखिए इतने सारे कपड़े सूख चुके हैं जो मैंने धोए थे। तो फ्रेंड्स आप इस पे मेरी बात मान के भरोसा कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा लिक्विड है कपड़े धोने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, उपयोगी चैनल है, जो आपको वेस्टेज से रिलेटिव सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही और भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम समस्या आती है उनकी भी जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप मेरे वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।